हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुरानी साड़ी से टेबल रनर बनाना, यानी कि मेज पोस्ट बनाना। तो चलिए देखते हैं। इसे बनाने के लिए कोई सी भी पुरानी साड़ी, मैचिंग कलर का लेस, पाइपिंग के लिए कंट्रास्ट का कपड़ा और एंकर के धागे कढ़ाई वाले, और उसके साथ टेबल रनर के बेस के लिए कॉटन का कपड़ा लेंगे। पहले कॉटन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने लंबाई 36 इंच और चौड़ाई 18 इंच रखी है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना। कॉटन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद साड़ी के कपड़े की कटिंग करेंगे। साड़ी का जो हिस्सा हमें चाहिए होगा, हम वही लेंगे। यहाँ पर साड़ी का जो कपड़ा मेरे काम का है, वो मुझे कम पड़ रहा है। इसके लिए कॉटन के कपड़े को रखकर उससे अधिक हम साड़ी का कपड़ा लेंगे, ताकि हमें सिलाई में कोई दिक्कत ना आए। साड़ी के कपड़े को लंबाई में दोगुना काटने के बाद डिजाइन को मिलाते हुए आधे पर से सिलाई कर देंगे इस तरह से, और उसके बाद एक सिलाई अंदर रखेंगे और उसके बाद एक ऊपर से सिलाई चला देंगे। ऐसा करने से जितना साड़ी का कपड़ा हमें चाहिए होगा डिजाइन के साथ, हमें मिल जाएगा। अब कॉटन के कपड़े को आधा मोड़कर उसे हाथ से दबाकर मोड़ते जाएंगे। ऐसा करने से कपड़े के बीच में लाइन आ जाएगी और उसी लाइन पर साड़ी के फैब्रिक को रखकर पिन से सिट कर देंगे और उसके बाद सिलाई चला देंगे मशीन से। बीच से सिलाई लगाने के बाद अब किनारों तक साड़ी के कपड़े को सिट करेंगे। अच्छे से सिट करने के बाद पिन से सिक्योर कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम पाइपिंग की सिलाई करेंगे। पाइपिंग के कपड़े को दोगुना मोड़कर आधा इंच चौड़ी पाइपिंग बनाते जाएंगे। ऊपर नीचे की साइड को देखकर पाइपिंग को लंबाई में जोड़ते जाएंगे। कॉटन के कपड़े पर सीधी तरफ से पाइपिंग को लगा देंगे। आप चाहें तो पाइपिंग और लेस को इकट्ठे सिल सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग सिला है। आप जैसे कि दिखाया गया है वीडियो में, इस तरह से पाइपिंग को ऊपर से चारों ओर पहले जोड़ देंगे। पाइपिंग लगाने के बाद फिर मैंने लेस को सेट किया है, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। इसी तरह से हमको अपने लेस को सेट करना है। मेरी वीडियो बनाते समय आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। लेस को आराम से फैला के हाथ से सेट करेंगे तो हमें पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी सिलाई में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ अपने शेयर करें, और हाँ, इसे बनाने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। मेरी वीडियो देख के अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो प्लीज़ उसकी एक पिक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, इस तरह से लेस को सेट करने के बाद अब हम इसमें एक पाइपिंग अंदर की तरफ से भी जोड़ेंगे।
पहले चौड़ाई की तरफ पाइपिंग लगा के जोड़ेंगे। लेस को अच्छे से सेट करेंगे जैसे कि मैंने किया है। दोनों तरफ चौड़ाई की तरफ पाइपिंग लगाने के बाद फिर जो हमारी लंबाई है उस पे पाइपिंग लगा देंगे। फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये टेबल कवर खुद से लें। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो भी अगर आप जिसे सिलाई आती है उसे मेरी वीडियो दिखा करके आप इस तरह से अपना टेबल कवर बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह सिलाई लगाने के बाद जो हमारा टेबल कवर है वो बहुत सुंदर बनके तैयार होगा। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमारा टेबल कवर बहुत सुंदर तैयार होगा। इसके बाद हम इसे और सुंदर बनाने के लिए एंकर थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे जो कढ़ाई के लिए आता है। एंकर थ्रेड से बस जो कच्ची वाली सिलाई होती है उसी से बस सिलते जाएंगे और हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन जहाँ हमने मशीन चलाया है वहाँ पे हम एक कढ़ाई होती है डबल चेन स्टिच, उसका इस्तेमाल करेंगे। आप YT पे ढूंढ लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसका अलग से वीडियो शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा एक टेबल कवर बनके तैयार हो गया और मैं इनके साथ के कुशन कवर आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी।